कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, इन कुन तुम अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, तो हम तुम्हें इसकी एक कंडीशन दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू कर रहे हैं अपनी इस मोहब्बत को, कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं करते। तुम सिर्फ जुबान से इकरार कर रहे हो, ये बातें दिल से निकलने वाली हैं जो अल्लाह की मोहब्बत से मुताल्लिक हैं। और अगर कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत रखता है तो यकीनन वो अल्लाह के करीब भी हो जाएगा, उसे क़ुर्बत इलाही भी हासिल होगी। अगर दिल से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, अगर दिल में मोहब्बत है, लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा कि हम इस मोहब्बत के इजहार का तरीका बता रहे हैं कि अगर तुम हमसे दावे मोहब्बत करते हो तो फत्तबिउनी, बस मेरी तबा करो, यानी मेरे रसूल की इताअत करो। कहलवाया जा रहा है रसूल से, नबी से कहलवाया जा रहा है कि आप इन लोगों से कह दीजिए, ये कौन लोग हैं कि जिनसे मोहब्बत करने के लिए कहा जा रहा है, कि क्या ये कुफारे मक्का से गुफ्तगू हो रही है, क्या ये गुफ्तगू मुशरिकीने मक्का से हो रही है? नहीं भाई, खुदा से मोहब्बत की गुफ्तगू है। खुदा से मोहब्बत वही करेगा जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता होगा, अल्लाह को वो खालिक जानता होगा, अल्लाह को वो मालिक जानता होगा, अल्लाह को वो राजिक जानता होगा, अल्लाह को कुल कायनात पर कादिर जानता होगा, वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला होगा। वही तो कहेगा ना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन परवरदिगार कह रहा है कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो तुम मेरे रसूल की इताअत करो। अगर तुम मेरे रसूल की इताअत करोगे तो ये दावा इलाही है, मोहब्बत जो है, मोहब्बत इलाही का जो ये दावा है, अब ये यकतरफा नहीं रहेगा। यो बिकुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत कर लेगा। तो मोहब्बत जो है अब यह तरबा नहीं होगी कि हम कहते रहे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते, नहीं, उधर से भी जवाब आएगा, तुम हमारे हबीब की इताअत कर रहे हो, हमारे नबी की इताअत कर रहे हो, हमारे नबी की पैरवी कर रहे हो, इत्तबाए नबी कर रहे हो। हम तुम्हें फकत यही नहीं कह रहे कि हम भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, नहीं, हमारी मालिकियत खालिकियत राज़िकियत कादरियत का तकाजा यह है कि हम तुमसे मोहब्बत भी करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देंगे। अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। देखिए, मैं एक मर्तबा शायद इसी मिंबर से एक रिवायत बयान कर चुका हूँ। दिल चाहता है बहुत से नए हजरात, नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, उनके लिए नया शायद नई रिवायत हो, और जो लोग पहले सुन चुके हैं उनके लिए रिवाइज हो जाए कि हमारे और आपके पांचवें इमाम पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब एक बंदे मोमिन एक मर्तबा दुरूद भेजता है, एक मर्तबा दुरूद भेजता है और उसके बाद वो 400 बरस तक दुरूद न भेजे, और फिर 400 बरस के बाद दुरूद भेजे, तो फरिश्ता आसमान से नाजिल होता है और उस बंदे मोमिन से ये कहता है कि ऐ बंदे मोमिन, अभी तो हम पिछले दुरूद का सवाब मुकम्मल तौर से ना लिख पाए कि तुमने दूसरा दुरूद भेज दिया।
दुरूद की बड़ी मंजिलत है, बड़ी फजीलत है। और फिर एक और बात भी याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो आपकी खिदमत में पेश करूं कि जब जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह बीबी हव्वा से हुआ तो आवाज कुदरत आई, आदम तुम्हारा निकाह तो हमने हव्वा से तय कर दिया है, तुम्हारा मेहर क्या मुकर्रर किया जाए। जनाबे आदम परेशान हो गया कि अब मेहर क्या दिया जाए, अभी ये गुफ्तगू जन्नत की है, जन्नत में सब कुछ है। तो जब कुछ लम्हे जनाबे आदम ने तवक्कुफ किया तो जनाबे जिब्राइल अमीन जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, परवरदिगार आलम ने ये पैगाम दिया है आदम कि हमने तुम्हारे और बीबी हव्वा के दरमियान जो निकाह करार पाया है उसका मेहर जो हमने मुकर्रर किया है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद। बात को इतनी आसानी से तो सुन गए मगर जरा इसकी गहराई पर गौर कीजिए। आदम का निकाह जनाबे हव्वा से हुआ, उसका मेहर जो मुकर्रर हुआ वो दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो अब जो भी बनी आदम में जितने भी फरदंदाने आदम पैदा होते रहेंगे वो सब के सब मोहम्मद वाले मोहम्मद के नमककार होंगे। अगर वो दुरूद ना होता तो वो नस्ल कैसे सही होती है, वो निकाह कैसे सही होता। ये चाहता है कि मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी की तबा करो। इसका मतलब ये है कि एक मंजिले फिक्र तो ये है कि जहां पर इंसान ये इस बात का एतराफ कर ले, इस बात का यकीन मोहकम कर ले कि हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, उसके रसूल की रिसालत का इकरार कर रहे हैं, उसकी भेजी हुई किताब का इकरार कर रहे हैं, मगर ये इकरार तन्हा काफी नहीं है अगर रसूल की इताअत न की जाए। इसलिए कि कुरान में जो कुछ भी है परवरदिगार आलम का वो कलाम है और जो रसूल बयान कर रहे हैं, जो रसूल अमल करके बता रहे हैं, जो रसूल तफसीर बयान कर रहे हैं, अगर तुमने उसको नहीं माना तो तुमने क्या तौहीद को माना, तुमने क्या कुरान को माना। इसलिए कि तुम कुरान को समझ ही नहीं सकते जब तक के कुरान को पढ़ाने वाले की इत्तला न इताअत न करोगे, जब तक उसकी तबा न करोगे, जब तक के उसके पढ़ाने वाले और सिखाने वाले की इताअत नहीं करोगे। इसलिए कि तुम्हारी समझ में कलाम इलाही आ ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारी अक्ल नाकिस है और जिसका कलाम है ये वो है कि जो खालिक़े अक्ल है, जो खालिक अक्ल है। तो लिहाजा चूंकि तुम्हारी अक्ल नाकिस है, लिहाजा हम ऐसा बंदा दुनिया में भेज रहे हैं कि जिसकी अक्ल को हमने मुंतहाए कमाल पर पहुंचा दिया है। तो अब अगर तुम उससे कोई सवाल करोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि पूछ कर बताता हूं, बल्कि वो ये कहेगा कि हाँ आओ बैठ जाओ, जो सवाल करना है सवाल करो, जो पूछना है पूछो। अब रसूल इताअत के लिए कह रहा है कि तुम मेरी इताअत करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत पर मोहरे सख्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मोहब्बत का दावा तन्हा काफी नहीं है जब तक कि मेरी बताई हुई बातों पर अमल न करो। जब तक मेरी बताई हुई बातों पर अमल न करो, मैं बताऊंगा कि नमाज कैसे पढ़नी है, मैं बताऊंगा कि रुकू कैसे करना है, मैं बताऊंगा कि सजदा कैसे करना है, मैं बताऊंगा कि जिक्र क्या करना है, मैं बताऊंगा कि रोजा कैसे रखना है, मैं बताऊंगा कि हज कैसे करना है, तमाम बातें मैं बताऊंगा। काम पर अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने
जब रसूल की इताअत का हुक्म दिया तो ये कहकर दिया कि अतीउर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने रसूल की इताअत नहीं की, उसने खुदा की इताअत। तो जो रसूल कहे उसे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, यही है इताअत रसूल, यही है इताअत रब्बानी। इसलिए कि रसूल की इताअत जो है वो इसलिए लाजिमा करार पाई है कि हमारे तमाम आमाल का दारोमदार इताअत रसूल पर है। बेशक बेशक बेशक, हमारे तमाम आमाल का दारोमदार रसूल की जात पर है कि अगर हमने उनके किसी भी हुक्म से इन्हिराफ किया। एक और जगह पर कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल अगर फाइन तवल्लो, अगर तुमने उनकी इताअत से रूगर्दानी की, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल हफ्त हो जाएं, तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएं। मानी यह है कि जहां पर रसूल इस्लाम ये फरमा दे कि इस तरह से इस काम को अंजाम दो, तो अब आप अपनी अक्लो दानिश को इस्तेमाल न करें बल्कि वक्त और वक्त इताअत करें। तो इताअत ऐसी हो कि जैसी इताअत करने का हक है, तो अब हमें पूरी कायनात में कोई ऐसा बशर नजर नहीं आया कि जो रसूल की इताअत को मुजस्सम करके दिखा दे कि हाँ किस तरह से रसूल की इताअत की जाए। तो अगर किसी इताअत गुजार को देखना है तो आओ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात ने किस अंदाज से इताअत की है और क्या मंजिल है मेरे मौला अली की, कि जहां दावत जुल अशीरा में पहली आवाज रसूल बुलंद कर रहे हैं, कौन है जो मुझ पर ईमान लाए, मेरे अल्लाह पर ईमान लाए, जो भी आज मुझ पर ईमान लाएगा, जो भी आज मेरी नुसरत करेगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, और तुम सब की इताअत उस पर वाजिब होगी। अच्छा, ये मंजिल भी एक अजीब मंजिल है, हम लोग सुनते हैं और फिर सरसरी तौर पर आगे निकल जाते हैं। देखिए, जब रसूल इस्लाम ने दावत जुलशीरा में ये ऐलान किया था ना कि मुझ पर ईमान लाओ, जो भी मुझ पर ईमान, सबसे पहले जो मुझ पर, यही है ना जुमले, सबसे पहले जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, तो क्या रसूल इस्लाम ओपन ऑफर कर रहे थे? ये खुली दावत थी? अरे भाई, मौलाए कायनात तो वजीरो वसीए रसूल बनकर आए थे इस कायनात, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन ऑफर नहीं थी। ये ऐलान दर हकीकत इरफान वसायत व वजारत अली इब्न अबी तालिब था, और अगर ऐसा ना होता तो अबू लहब अबू तालिब से ना कहता कि अबू तालिब अब जाओ अपने बेटे की इताअत करो, इसलिए कि ये मंजिल इताअत की मंजिल थी। ये वसायत की मंजिल जो है वो इताअत की मंजिल है। यही वजह है कि जहां रसूल ने ऐलान कर दिया कि जब अली, अब अली ही मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, तो अब परवरदिगार आलम ने तीन इताअतें कुरान में फर्ज कर दी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मालूम ये हुआ
कि अगर अल्लाह की इताअत करनी है तो उसके रसूल की इताअत करो, और अगर रसूल की इताअत करनी है तो उलिल अम्र की इताअत करो। और उलिल अम्र कहां से आएगा? ये तो दुनिया ने उलिल अम्र के कई मुख्तलिफ माने रखे, मुख्तलिफ उनवाना से इस पर बहस हुई, लेकिन किसी ने कहा कि साहिब हुकूमत है, किसी ने कहा साहिब तसर्रुफ है, जो जिस इलाके का बादशाह हो जाए बस वही उलिल अम्र है। नहीं, ऐसी गुफ्तगु नहीं है। हकीकत हाल यही है कि जिसे अल्लाह उलिल अम्र बनाए, हमारे यहां उलिल अम्र की मंजिल जो है वो मंसूस मिन अल्लाह है, हम नहीं बनाते, इसलिए कि हम अम्र को नहीं समझते तो उलिल अम्र को क्या समझेंगे। भी मौला का जिक्र आता है, देखता हूँ कि अली के जिक्र में यारो तकिया हो नहीं सकता, अली के जिक्र में यारो तकिया हो नहीं सकता, ज़बान खामोश रहती है तो चेहरे बोल उठते हैं। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर फरमाते अपने एक सहाबी से, कहते हैं सहाबी का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, या तो अबान इब्न तगलब है या कोई दूसरे सहाबी, लेकिन वो अपने सहाबी से कहते हैं कि जब कोई इंसान नेक अमल करता है तो दाएं जानिब का फरिश्ता लिखता है, और जब कोई बाएं यानी जब कोई बुरा अमल करता है तो बाएं कंधे पे जो बैठा हुआ फरिश्ता है वो उन अमाल को रकम करता है, एक मुनकर और एक नकीर। अच्छा, मेरे मौला फरमाते हैं कि जब कोई बुरा काम करता है, कोई गलत काम करता है तो बाएं जानिब का फरिश्ता लिखता है, और जब कोई नेक काम करता है तो दाएं जानिब का फरिश्ता लिखता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, अब मेरे मौला फरमाते हैं कि जब तुम कोई नेक काम करते हो तो एक फरिश्ता खामोश रहता है, बाएं जानिब का फरिश्ता खामोश बैठता है, कुछ नहीं लिखता, दाएं जानिब वाला लिखता है। यानी जब बुरा अमल करते हो तो नेक अमल वाला फरिश्ता सुकून से बैठा रहता है, और जब बुरे अमल करते हो, जब अच्छे अमल करते हो तो बुरे अमाल लिखने वाला फरिश्ता सुकून से बैठा रहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं कि जिसके करने से ये दोनों एक वक्त में मसरूफ हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलवा, पहली मैं ऐसा अमल बताता हूं कि जिसकी वजह से दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाएं। पूछा या मौला बताइए कि वो कौन सा अमल है? कहा कि जब तुम अली का जिक्र करते हो तो दाएं जाने वाला जो फरिश्ता है वो तुम्हारे नेक अमाल लिखने लगता है, और जो बाएं जाने वाला फरिश्ता है वो तुम्हारे बुरे अमाल मिटाने लगता है। जब हम अली का तस्किरा करते हैं तो दिल की गहराइयों से करते हैं। ये मोहब्बत वो नहीं है कि जो जबरदस्ती ठूसी जाती है, ये मोहब्बत वो है कि जो माँ की शराफत से मिलती है, उसके खून की शराफत से मिलती है, उसके दूध की शराफत से मिलती है। आज़ादारों, एक बात याद रखना कि अली की मोहब्बत कोई जबरदस्ती का खेल नहीं है। क्या आप जबरदस्ती किसी से कहिए कि अली से मोहब्बत करो, इसलिए कि रसूल इस्लाम फरमा चुके हैं कि ए अली, मैं तुम्हें तुम्हारी एक ऐसी फजीलत बताता हूं कि जो आसमान और जमीन के दरमियान किसी को हासिल नहीं। कुछ मौला बताए या रसूल अल्लाह, मौला कायनात से रसूल इस्लाम ने कहा
कह अली अल्लाह ने तुम्हारे शियों को तुम्हारी मट्टी से पैदा किया, तुम्हारी तीनत से पैदा किया है। जो तुम्हारा मुहिब होगा अगर उसके नाक पे जर्ब लगाई जाए और कहे कहा जाए कि तुम अली से मोहब्बत न करो, तो वो इस बात का इनकार करेगा कि तुम मुझे खत्म कर दो, मगर अली की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकल सकती। और अगर तुम किसी को जो तुम्हारा दुश्मन होगा, जो तुमसे बुग्ज़ रखता होगा, जो तुमसे अदावत रखता होगा, उसको तुम कोहे ओहद के बराबर भी सोना और जवाहरात दे दो और कहो कि तुम अली से मोहब्बत करो, तो वो तुमसे मोहब्बत न करे। मौलाए कायनात ये मंजिल है और हम इसीलिए तो अली अली करते हुए जिंदगी बसर करते हैं। सुबह होती है तो अली अली, शाम होती है तो अली अली, हर लम्हा हर आन हमारी जिंदगी का खून में दौड़ते हुए कतरार अली अली करते हैं। इसलिए कि ये मोहब्बत हमें अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है, इस तोहफे की हिफाजत कीजिए। आजकल एक और भी मसला है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं हमारी ही बज़्म में, हमारी ही अंजुमनों में, अंजुमन सम्राट हमारे ही हल्का अहबाब में, कि जो अब अली के तस्करे के बारे में भी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि शक्सा होने लगता है। देखिए, शोर की एक खासियत होती है, उसकी खासियत ये होती है कि वो सबसे ज्यादा कीमती चीज पर डाका डालना चाहता है। और हमारा और आपका सबसे कीमती सरमाया अकीदा है। अगर ये अकीदा बचा लिया तो सब कुछ बच गया, और अगर ये ना बचा तो फिर कैसी नमाजे, कैसे रोजे, कैसा हज। यही तो कहा था ना परवरदिगार आलम ने कि जब हम अपनी जानिब से किसी को अपना नुमाइंदा बनाए तो तुम उसकी मुखालिफत न करना। इसीलिए कि जब जनाबे आदम के लिए कहा परवरदिगार आलम ने कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो शैतान ने खुदा का इनकार नहीं किया, खुदा के सजदे का इनकार नहीं किया, उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूं। इनकार बनाए हुए का किया। याद रखिए, जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करे उसको शैतान कहते हैं। तो परवरदिगार ने कहा कि अब जो भी मेरे बनाए हुए का इनकार करेगा, चाहे वो कितने ही नमाजें पढ़े, कितने ही रोजे रखे, कितने ही अमल अंजाम दे, मैं उनका वही हश्र करूंगा जो इबलीस करता है। नहीं, अपनी जात पर तो कंप्रोमाइज शायद कर लेगा वो, मगर अपने बनाए हुए पर कंप्रोमाइज नहीं है। यही कहा ना परवरदिगार ने, हम कुंता मिन अलआली, कहीं पे लीन लिखा है, कहीं पे आलीन। ये क्या तो आलीन कैसे हो गया? अच्छा, ये लफ्ज आलीन है या लीन है, आलीन के लिए कहा जाता है कि ये जमा है अली की, बुलंद लोगों। हम कुंता मिन अलआली, क्या तू बुलंद लोगों में से हो गया है? क्या तू बुजुर्ग लोगों में से हो गया है? और अली के मानी क्या है? बुलंद, बुजुर्ग, आला। या अल्लाह, एक बात मुझे बता दे, तूने ये कहा कि हम कुंता मिन अलआली, क्या तू आलीन में से हो गया है? इसका मतलब यह है कि इबलीस भी जानता था कि कुछ ऐसे नूर के नूर के ऐसे भी पेकर हैं कि जो सबसे बुलंद हैं। तभी तो अल्लाह ने कहा ना कि क्या तू आलीन में से हो गया है, और आलीन जमा है अली की, यानी आसमान पर जब अल्लाह अपने इन बनाए हुए नुमाइंदों का, अल्लाह जब आसमान पर अपने इन बनाए हुए नुमाइंदों का तारुफ कराता है तो अली कहकर कराता है। और जब यही चौदह जन
पर होगा तो मोहम्मद के साथ। कि अल्लाह ने कुछ इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, अल्लाह ने इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अब सरदरे जहरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। दिल पैगाम किसे दूं, अल्लाह जब तारुफ करा रहा है तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने उन नूर के पैकरों को अली अली कहकर तारुफ कराया है, और जब ये जमीन पर आए हैं तो ये मोहम्मद बनकर आए हैं। हाँ दादा रानी हुसैन, जरा सी एक और बात जो याद आ गई वो ये है कि एक मर्तबा मौलाए कायनात अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा खचा खच भरी हुई है, लोगों का जम्मे गफीर है, मौला खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते एक मर्तबा इस आयत पर पहुंचे कि जहां पे परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैंने आदम का पुतला अपने इन हाथों से बनाया है, अपने दो हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। एक मर्तबा एक सवाली खड़ा हो गया मस्जिद कूफा में, मौला से पूछने लगा कि या अली, या तो वो अल्लाह दिखाइए जिसके दो हाथ थे, या वो हाथ दिखाइए जो अल्लाह वाले हाथ थे। जो अल्लाह वाले हाथ थे, या वो अल्लाह दिखाइए जिसके दो हाथ हैं। और अगर अली वो अल्लाह दिखा दें जिसके दो हाथ हैं, देखिए भाई अली तो दिखा ही नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह के हाथ कहाँ हैं। वो तो और लोग हैं जिनका अकीदा है कि जब जहन्नम फिर कहेगी और दीजिए हल मिन मजीद, तो अल्लाह अपना पांव डाल देगा। हमारे पास ऐसा अल्लाह है ही नहीं, इसलिए कि हमने अल्लाह अली से लिया है। हम उस अल्लाह को मानते हैं कि जो अली ने दिखाया है, जिसे अली ने बताया है, जिसकी तौहीद का तारुफ मौलाए कायनात ने कराया है। एक मर्तबा मेरे मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में खड़े हुए ये सवाल सुन रहे हैं, और एक मर्तबा अबा के दामन से दोनों हाथों को बाहर निकाला और कहा कि ये वो दो हाथ है जिन्होंने आदम का पुतला। ये मजहरे सिफाते इलाही है, इनकी जात जो है वो कायनात में मजहर बनकर आई है। इनकी आंख अल्लाह की आंख आयन अल्लाह, इनकी जुबान लिसान अल्लाह, इनका नफ्स नफ्स अल्लाह, इनके हाथ यदुल्लाह। हाँ, अब कोई न कहे कि वो दावा कि जो अल्लाह ने किया कि मैं उसको नहीं मारता जिसकी 70 नस्लों में भी एक मोमिन पैदा होने वाला हो, तो कैसे पता चले कि ये अल्लाह का दावा है, इसकी दलील क्या है? तो दलील मजहर खुदा बताएगा कि देखो अली की तलवार किसी को कत्ल करती है, किसी को जिबा करती है, किसी को खत्म करती है, किसी को रोक लेती है, किसी की गर्दन तक पहुंच के वापस आ जाती है। पूछने वाले ने पूछा या अली, आपने उसको कत्ल क्यों नहीं किया? कहा कि अली की तलवार उसको कत्ल नहीं करती जिसकी 70 नस्लों में एक मोमिन। हम तो ऐसी हस्तियों को मानते हैं, हम उनकी इताअत करते हैं। तो अब अगर अल्लाह ये कहे कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम,
अब खुद से हम ओले अमर नहीं बनाते, इसलिए देखिए पुराने करीम में लफ्ज अमर जो है वो 32 या 33 मुख्तलिफ मकामात पर